गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक सोलर सिस्टम. ओके, वी ऑल नो अबाउट द सोलर सिस्टम, वी हैव रेड इन प्रीवियस क्लासेस. तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ सोलर सिस्टम. यस, दिस इज आवर सोलर सिस्टम. द सन एंड द अदर प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम. ठीक है, सन के साथ ये जो प्लैनेट्स आपको विजिबल हो रहे हैं, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं. इन सोलर सिस्टम वी हैव मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ठीक है, दीज आर द 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम. सो लेट्स डिस्कस द सोलर सिस्टम. The sun and 8 planets form the solar system. Sun और उनके साथ उनके 8 planet, 8 planets मिलकर solar system form करते हैं. Okay? The name of the 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. ठीक है, दीज आर द 8 प्लैनेट्स. मेन 8 प्लैनेट्स जो हैं वो हैं मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, एंड विद दीज 8 प्लैनेट्स देयर आर सम अदर थिंग्स. विच आर दीज? सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स. ठीक है, ये सब भी सोलर सिस्टम का एक पार्ट हैं. दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन. वो सब सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. रिवॉल्व मतलब उसके चारों ओर घूमते रहना. ऑन द फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, जस्ट लाइक दिस. ये जो आपको लाइंस दिस विजिबल हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड ऑर्बिट. दीज आर द फिक्स्ड पाथ. ठीक है, दीज लाइन्स आर द फिक्स्ड पाथ एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन देयर फिक्स्ड पाथ. ये जो प्लैनेट्स हैं वो इन्हीं फिक्स्ड पाथ के ऊपर ही रिवॉल्व करते हैं. वो अपने प्लेस से मूव नहीं होते. उनको जो एक पाथ गिवन है, ये एक पाथ है, वो हमेशा अपने पाथ पर ही मूव करते हैं. ओके, वो पाथ से सेपरेट अलग होकर कहीं भी मूव नहीं करते. क्लियर? सो द फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. ओके, सो लेट्स रिवाइज अगेन. द सन एंड द प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम. सन के साथ 8 प्लैनेट्स मिलकर सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं. द 8 प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स एंड कॉमेट्स आर द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम. 8 प्लैनेट के साथ साथ उनके सैटेलाइट्स, जैसे मून अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट. ओके, तो 8 प्लैनेट्स के साथ उनके सैटेलाइट्स और एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं. ओके, एंड दीज ऑल थिंग्स रिवॉल्व अराउंड द सन. ये सब चीज़ें सन के चारों तरफ मूव करती हैं, घूमती हैं, रिवॉल्व करती हैं. ओके, एंड द फिक्स्ड पाथ ऑन विच दे रिवॉल्व इज कॉल्ड ऑर्बिट. ठीक है, जो फिक्स्ड पाथ है जिस पर वो मूव कर रही हैं, उसे हम ऑर्बिट कॉल करते हैं. क्लियर? नाउ द इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम फॉर्म कैसे हुआ? दिस इज द मेन क्वेश्चन, कि ये प्लैनेट्स और ये एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, ये सब कहाँ से आए? ओके, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट अ जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट कॉल्ड द नेबुला appeared moving in the space about 4.6 billion of years ago.
साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि बिफोर 4.6 ईयर्स देयर वॉज अ बिग क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट. 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बहुत बड़ा एक क्लाउड था, जाइंट क्लाउड, अ बिग क्लाउड. और वो क्लाउड किससे बना था? डस्ट और गैसेस से. ओके, एंड इट वॉज मूविंग इन द स्पेस. वो स्पेस में कंटिन्यूसली मूव कर रहा था. ओके, इट कूल्ड एंड गेन्ड वेरी फास्ट रोटेशन. ये धीरे धीरे कूल होता गया, ठंडा होता गया, और इसकी रोटेशन मीन्स इसका घूमना बहुत फास्ट हो गया. द एट बॉल ऑफ गैसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस वर सेपरेटेड फ्रॉम द नेबुला. ये जो गैसेस का क्लाउड था जिसे हम नेबुला कॉल करते हैं, उसमें से बहुत से पीसेस सेपरेट होना स्टार्ट हो गए. ओके, तो एट बॉल्स ऑफ गैसेस जो थी वो डिफरेंट साइजेस की, उससे सेपरेट होना स्टार्ट हो गई, ब्रेक हो गई उससे. ओके, द रिमेनिंग सेंट्रल मास ऑफ नेबुला चेंज इनटू अ स्टार नोन एज सन. अब जो नेबुला का बाकी का पार्ट था, वो सेंटर का एक पार्ट था जो बर्न हो रहा था, इट बिकेम अ स्टार एंड वी कॉल इट सन. द एट बॉल्स चेंज इनटू प्लैनेट, और जो एट बॉल्स फॉर्म हुई वी कॉल इट प्लैनेट. ओके, इट मींस यहाँ पर जो नेबुला था उससे बहुत स्मॉल पार्टिकल्स सेपरेट हो गए. ओके, एंड दीज स्मॉल बॉल्स आर कॉल्ड प्लैनेट. और उसका जो सेंटर का पार्ट था वो एक बर्नट गैस बन गया, एक बर्नट बॉल बन गया, दैट इज नोन एज सन. ओके, इट इज बिलीव्ड दैट द सैटेलाइट्स वर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल बॉल्स ऑफ गैसेस सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मास एंड वर अट्रैक्टेड बाय द कंपेनियन प्लैनेट्स. और ये भी कहा जाता है कि हर प्लैनेट के सैटेलाइट्स हैं. अब वो सैटेलाइट्स कैसे बने? कि वो स्मॉल गैसेस सेंट्रल मास से सेपरेट होते गए. जो सेंटर में एक बर्नट गैसेस का एक बॉल रह गया था, उससे भी बहुत सारी स्मॉल बॉल्स सेपरेट होती गई एंड दे वर कॉल्ड सैटेलाइट्स. ठीक है, एंड दे रिवॉल्व अराउंड द कंपेनियन प्लैनेट्स. वो अपने आसपास के प्लैनेट्स के आर बार घूमने लगे. ओके, दे बिगेन टू रिवॉल्व अराउंड दीज प्लैनेट्स. वो प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व होना स्टार्ट हो गए. ओके, हियर वी कैन सी जस्ट लाइक दिस कि एक बहुत बिग डस्ट पार्टिकल्स का जाइंट क्लाउड था, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, घूमता जा रहा है, मूव कर रहा है. ओके, एंड इससे सेपरेट होने लगे बॉल्स. बॉल्स सेपरेट होना स्टार्ट हो गए, टूटना स्टार्ट हो गए, और जो सेंटर पार्ट रिमेनिंग रहा दैट इज कॉल्ड सन. और जो सेपरेट हुई दीज आर कॉल्ड प्लैनेट. ओके, और इनसे भी जो कुछ सेपरेट हुआ वो क्या बन गया? सैटेलाइट्स. क्लियर? आई होप आपको इस पिक्चर से क्लियर हुआ होगा कि देयर वॉज अ जाइंट cloud of gases, ठीक है, and dust particles, and it is moving in the space. वो space में revolve कर रहा था, move कर रहा था, and it cooled, and some pieces separated from these gases. वो gases cool हुई, and then these gases called planet. और जो central mass cool नहीं हुआ था, that became सन. जो सेंटर का मास था वो सन बना, और जो पीसेस ब्रेक हो गए थे और कूल हो गए थे वो क्या बन गए? प्लैनेट्स. वेरी गुड. ओके, और प्लैनेट्स के बाद जो और पीसेस सेपरेट हुए दे बिकम द सैटेलाइट्स एंड दे रिवॉल्व अराउंड दीज प्लैनेट्स. ओके, वो इन प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करना स्टार्ट हो गए. क्लियर? आई होप सबको ये
evolution of solar system and formation of solar system. समझ आया होगा? Okay, so that's it for today. You have to read this from your book. Clear? आप ये अपनी बुक से रीड करेंगे और वीडियो को भी 2 times वॉच करेंगे. क्लियर? सो थैंक यू सो मच बच्चे. ओके, बाय.